बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री के अपने इस्तीफे की मांग पर कायम है, लगातार चौथे दिन भी संसद को नहीं चलने दिया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव दिग्विजय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी अपने रुख पर लगातार कायम है, आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी कबूल नहीं। पहली बात तो ये है कि सीएजी की रिपोर्ट्स पर अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बदलना पड़ा तो हर साल नया मुख्यमंत्री और नया प्रधानमंत्री का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी एजी की या सीएजी की रिपोर्ट नहीं आती है कि जिसमें कि किसी न किसी की कमी उसमें ना दर्शाई गई हो। सीएजी एक ऑडिट बॉडी है, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव बॉडी नहीं है, और सीएजी की प्रक्रिया आपको मालूम है, वो अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसे पार्लियामेंट मिनिस्ट्रीज को भेजते हैं, वहां से उनका रिस्पांस आता है, रिस्पांस आने के बाद जो सीएजी का फाइंडिंग है, मिनिस्ट्री का रिस्पांस है, वो सब कंपाइल करके रिपोर्ट बनती है, पार्लियामेंट को सबमिट होती है, और पार्लियामेंट में फिर पीएसी को सौंप दी जाती है। पीएसी का जो चेयरमैन होते हैं वो प्रमुख विपक्षी दल के होते हैं, तो उसके माध्यम से सारी प्रक्रिया पे चर्चा की जा सकती है। अब ये बताएं आपको कि ये चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि एक तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग का पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण क्यों नहीं करना चाहते हैं कि जितने कोल ब्लॉक दिए गए हैं इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश कहा है कि इस कंपनी को आप दे दीजिए, इस कंपनी को दे दीजिए, हमारा इनका समझौता हो गया है, उसके आधार पर कोल ब्लॉक अलॉट हो गए। ये कौन मुख्यमंत्री सर, कुछ अगर आप प्रकाश डालें? मैं तो मध्य प्रदेश का ही कहता हूं, सासन ब्लॉक का अलॉटमेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पे हुआ, रमन सिंह के कहने से अनेक अलॉटमेंट हुए, यहां तक कि अनिल संचेती जो भाजपा के भी राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, जो कि एंड यूजर नहीं है, उनको भी कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है। ये सारी बातें लोकसभा में खुलेंगी, इसलिए वो चर्चा नहीं करना चाहते। हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो तो सरकार की है, तो कुछ पहल तो हो सरकार की तरफ से? हर रोज पहल हो रही है, हर रोज स्पीकर साहब के यहां बातचीत होती है, हर रोज लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में चर्चा होती है, रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इन्होंने तो मन बना रखा है कि हमारी पोल ना खुले, इसलिए ऐसा कर दो कि चर्चा ही ना हो। आपको क्या लगता है कि नीयत क्या है बीजेपी की? नीयत साफ है कि पूरे देश में झूठे प्रचार करने के साथ इस 2014 में ये अपनी सरकार बना सकें, इसके अलावा दूसरा उनका कोई लक्ष्य नहीं है।